आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओरियो बिस्किट केक की एकदम आसान रेसिपी। इसे हम बिना अंडा के बनाएंगे, बिना ओवन के बनाएंगे और ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, और वीडियो के एंड में इसका सीक्रेट भी रिवील करेंगे कि हम केक पर नाम कैसे लिख सकते हैं। न्यू रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, उससे आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। बिस्किट से केक बनाने के लिए आप अपनी पसंद के कोई भी ओरियो का फ्लेवर का बिस्किट ले लें। 300 ग्राम हम यहाँ पे बिस्किट ले रहे हैं। बिस्किट का हमने यहाँ पे पाउडर बना के तैयार कर लिया है, यानी बिस्किट को हमने अच्छे से पीस लिया है। तो बिस्किट का पाउडर हम सीधा डाल देते हैं एक मिक्सिंग बोल में। हम इसका बैटर बना के तैयार करेंगे, तो उसके लिए दूध ले लें। दूध हमें यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर लेना है। दूध को हम आधा आधा करके डालेंगे, एक साथ सारा दूध नहीं डालेंगे। इतने बिस्किट के लिए टोटल एक कप दूध इसमें लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर वापस से जो बचा हुआ दूध है वो भी हम डाल देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे एक कप दूध यूज़ किया है। और दूध डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर हम एकदम स्मूथ बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध को मैंने बैटर में अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इतनी ही क्वांटिटी में इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे। इसी से हमारा केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्जी बन जाएगा। तैयार किए बैटर को हम सीधा डाल देते हैं मोल्ड में। तो यहाँ पे केक मोल्ड को पहले ग्रीस कर लें अच्छे से। इसे अच्छे से ग्रीस करना ज़रूरी है। फिर इसके बेस में ये बटर पेपर सेट कर देंगे। बटर पेपर की जगह पर आप चाहें तो सूखा मैदा भी छिड़क सकते हैं। और वापस से इसे फिर से ग्रीस कर देते हैं हम। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी स्टील का टिफ़िन भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे सारा। तो सारा बैटर केक टिन में डाल दें। बैटर डालने के बाद सीधा हम इसे बेक करेंगे। इमीडिएटली बैटर को हमें रखना नहीं होता है। तो यहाँ पर बैटर मैंने डाल दिया है, इसे हम सीधा बेक करेंगे। उससे पहले आप इसे टैप कर लें। तो इस तरह से हम इसे टैप कर लेंगे और इसे ले चलते हैं बेक करने की तरफ। यहाँ पे कढ़ाई को पहले प्री हीट करेंगे हम। तो मैंने पहले से कढ़ाई को प्री हीट किया था। स्टैंड रख दें कढ़ाई में। आप कढ़ाई की जगह पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बस हैवी होना चाहिए। फिर इसका ढक्कन बंद करके इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। और 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर इसमें एक केक टिन रख देंगे। तो प्री हीटेड कढ़ाई में ही हमें केक टिन को रखना है। तो ढक्कन को फिर से बंद कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं लो टू मीडियम। और लो टू मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट के लिए हम इसे बेक होने देंगे। टोटल यहाँ पे 40 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। बीच बीच में ना खोलें, नहीं तो केक खराब हो जाता है। तो यहाँ पे इसे आप चेक कर लें सेंटर में टूथपिक डालकर। अगर सेंटर से टूथपिक सही निकली है, क्लीन निकली है, तो आपका केक अच्छे से बेक हो गया है। इसे हम बाहर निकालकर कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। और जब आपका केक ठंडा हो जाए तो इसे अनमोल्ड कर लें। अनमोल्ड करना बहुत आसान होता है। केक ठंडा होने के बाद खुद से ही निकल जाता है आसानी से। केक को ठंडा होने के बाद ही अनमोल्ड करें। ये देखिए केक कितनी आसानी से बाहर आ गया है। फिर इसका बटर पेपर हटा देते हैं। बटर पेपर हटाने के बाद इस पर हम नाम लिखेंगे। तो वो हमें किस तरह से करना है ये देखें आप। तो यहाँ पे आप किसी के भी नाम का कटिंग ले सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा लें। मैं इस पे ओरियो का कर रही हूँ। फिर इस पे स्प्रिंकल कर देंगे ये मिल्क पाउडर। तो इस पे आपको नाम लिखना नहीं होगा, सिर्फ छिड़कना होगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर को इस तरह से हम छान कर छलनी से डाल देंगे। और फिर किसी की मदद से आप ये जो पेपर है वो बहुत ही सावधानी से हटा लें। और फिर बाकी का जो ये कटिंग है इसे हम सेट कर देते हैं। और आपका केक बिल्कुल तैयार है, वो भी नाम के साथ। तो है ना एकदम आसान। और नाम लिखने के लिए ना तो हमें किसी तरह की क्रीम की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी तरह की चॉकलेट की। और ये देखिए केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप भी इस केक की रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके ज़रूर ट्राई करें। और अपने क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।